सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज हैं। जी मीडिया से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक है। उन्होंने कहा कि लोकसभा उपचुनाव में वो सपा के साथ हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ उपचुनाव में सुहेल देव पार्टी पूरी ताकत से समाजवादी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करेगी, वो भारी मतों से चुनाव भी जीतेंगे। राजभर ने कहा कि कुछ लोग सपा गठबंधन टूटने की अफवाह फैला रहे हैं और उन्होंने कहा कि लोग इस पर ध्यान ना दें। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी दावा किया कि आजम खान और शिवपाल यादव की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से कोई नाराजगी नहीं है, सभी विधानसभा में एक ही गोल में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तारीफ अगर शिवपाल करते हैं तो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन 69,000 भर्ती में उन्होंने बहुजन समाज और पिछड़ों का हिस्सा मारा, यह भी कहता हूं। ओपी राजभर ने कहा कि हमने प्रदेश के विकास के लिए सपा से गठबंधन किया है, इसलिए अगर किसी के मन में कोई भ्रम हो तो अपने मन से ये ख्याल निकाल दे। उन्होंने कहा कि कानपुर में दंगा किसकी वजह से हुआ, उसके बारे में क्यों बात नहीं हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि नूपुर शर्मा को बीजेपी कब जेल भेजेगी, तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।